आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है जरा देख लीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है 18 में कि किसी एपी के चौथे, याद रखिए दे क्या रखा है हमको, पहले जो दिया है वो देख लीजिए कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग। भैया कोई एपी है और उस एपी के चौथा पद मतलब A4 ये हो गया चौथा पद, चौथे और आठवें यानी आठवें पद कर रहा है ना, तो A8 ये आठवां पद हो गया, चौथे और आठवें इन सब का योग, योग मतलब जोड़, तो इन सभी का योग कह रहा है कितना दे रखा है, तो 24 दे रखा है, मैंने लिख दिया, ये हमको दिया है, क्या है ये दिया हुआ है, ओके राइट। तो दिया हमें किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, ओके। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा अगला देख लेते हैं, तो अगला कहता है कि तथा छठे और दसवें पदों का योग, यानी छठा पद बोले तो छठा पद हो गया और दसवां पद यानी A10 यानी दसवां पद, तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, तो दे रखा है भैया 44। कितना दे रखा है भैया 44 दे रखा है, लो। और हमें क्या कहता है निकालने के लिए, एपी के प्रथम तीन पद का रहा ज्ञात करने के लिए, बहुत आसान है। इस प्रकार से ये इससे और इससे हमें दो समीकरण प्राप्त होगा, समीकरण में हम ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे, हम जितना चाहे उतना पद निकाल सकते हैं, तो हमें एपी का मात्र तीन पद निकालना है। तो पद निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा हमें ए और डी का मान निकालना। चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देख लीजिए A4 है ना, A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे ए आप प्लस में ए और प्लस में क्या कहोगे, चार है एक पॉइंट कम करो तो हो जाएगा 3 और ये डी लगा दो, ए प्लस के 3D हो गया ना। अब ये प्लस तो प्लस A8 यानी आठवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे भैया ए और प्लस के 7D, ओके यही ना होगा फॉर्मूला, बराबर में 24 राइट। चलो अब देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देख लीजिए ए प्लस के 3D है, अच्छा ए गो ए दो गो ए ना हो जाएगा भाई, आ प्लस 3 गो D और 7 गो D, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 7 × 3 = 10 गो D हो जाएगा, अब बराबर में 24 मान लेंगे इसको समीकरण 1, ओके। आप लोग सजा लीजिएगा है कि नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारे पास वही लगा देंगे ए आ प्लस में 5D आ प्लस A10 का फॉर्मूला क्या होगा, ए आ प्लस में 9D राइट, बराबर 44 यानी 44। ए गो ए दो गो ए ना हो जाएगा भाई, आ प्लस में 5D या 9D, 9 × 5 = 14 ना हो जाएगा, बराबर में 44, इसको मान लो समीकरण 2। अब हम चलेंगे क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ओके समीकरण 1 हमारे पास क्या है भैया 2A आ प्लस के 10D अब बराबर में कितना है 24, आ दूसरा समीकरण देख लीजिए 2A आ प्लस में कितना 14D अब बराबर में 44, ठीक है। लिख देते हैं घटाने पर, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, लिख देते हैं घटाने पर, लिख दिए ना घटाने पर। अब घटाने पर जब लिखते हैं तो ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस का तो माइनस और ये प्लस का तो ये भी माइनस, ओके। देखिए घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह हमारा बदल जाता है, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, जो माइनस में रहता है वो प्लस में, तो ये चला से ये चला कट जाएगा। अब देखिए 10 गो D में से माइनस के 14 गो D घटेगा तो माइनस के 4 गो D बचेगा, और बराबर 24 में से 44 घटेगा तो कितना बचेगा, घटा देते हैं 4 में से 4 गया तो 0, आई 4 में से 2 जाएगा तो कितना 2, माइनस के कितना बचेगा 20 बचेगा, काटो माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये 4 × 5 = 20 कट गया, ओके। तो D की वैल्यू आ गई भैया 5, D का वैल्यू हमारा कितना आ गया भैया 5, ओके। तो हम साइड में कहीं लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो अब D का मान 5 आ गया ना, तो हम क्या करते हैं D का मान किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में किसी में भी रख देंगे, तो हम लिख देते हैं D का मान समीकरण किस में रख दे, 1 में रख देते हैं, चलो 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ओके रखने पर, अब 1 में रख रहे हैं तो 1 हमारे पास क्या है, ये वाला है 2A आ प्लस में 10D, तो 10 अब बीच में क्या रहता है गुणा छिपा रहता है गुणे, और D के जगह पे कितना वैल्यू निकाले हैं 5, तो हम 5 पटक देंगे
अब बराबर में कितना 24 है तो 24 रख देंगे। ओके जरा देख लीजिए, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2a अब प्लस के 10 पचे कितना हो जाएगा भैया 50 और बराबर में 24। ओके 2a और बराबर में 24 है तो 24 लिखो। ओके प्लस का 50 से पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा, तो 2a अब बराबर 24 में से 50 घटा दो ना घटेगा तो हम क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये माइनस 50 में से 24 घटेगा तो 50 में से ही 24 घटा देते हैं तो ये बचेगा 6, ये बचेगा कितना 4, 4 में से 2 गया था 2, माइनस के 26 होगा। ठीक है क्या माइनस के 26, 2 से काटो तो 13 दूना 26 कट जाएगा तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी भैया माइनस के 13, तो ए की वैल्यू आ गई भैया माइनस के 13 और डी का वैल्यू आ गया 5। अब हमें निकालना ए पी के प्रथम तीन पर, तो अतः ए पी लिखेंगे ए पी, ए पी के प्रथम तीन पद होंगे, क्या क्या होंगे हमारा एपी का व्यापक रूप लिख लेना, ए कॉमा ए प्लस में डी और कॉमा ए प्लस में 2d, या फिर एक पद प्राप्त हो जाएगा तो उसमें डी जोड़ते जाइए वैसे भी निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ए के जगह पे कितना माइनस के 13, माइनस 13 लिखो, कॉमा ए के जगह पे माइनस के 13, ए के जगह पे क्या रखोगे माइनस के 13। ओके प्लस तो प्लस, और डी के जगह पे क्या लिखोगे 5 लिखोगे तो क्या होगा 13 घट रहा है 5 में से था माइनस के 8 बचेगा। ओके आ इसमें ए प्लस के 2d है तो ए के जगह पे माइनस के 13 रखोगे, प्लस 2 है तो 2 है, डी वाला कितना है 5 है, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो मतलब 10 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा इसका। ओके तो ये हमारे पास प्रथम तीन पद प्राप्त हो गए ये पी। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, पीछे वाली क्वेश्चन सब नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करना। ओके तो कहीं भी दिक्कत नहीं है, अपना सजाना होगा तो आप लोग सजा सकते हो, खूब बढ़िया से बना सकते हो, मैंने ये बता दिया नो डाउट। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।